हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी, और आज फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा पाए जाने वाला प्रॉब्लम एक है, वो विषय जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, आप सभी लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप जो है हमसे अलग अलग सवाल पर जवाब ले सकते हैं। फ्रेंड्स, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ्रेंड्स, तो आज का जो विषय है फ्रेंड्स, वो है रिएक्शन, एनाफिलेटिक रिएक्शन, या कोई भी ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन का हमें आज डिटेल थोड़ा सा बात करना है। फ्रेंड्स, दोस्तों, हमें रिएक्शन जो है, बहुत सारी चीज़ों के रिएक्शन आ सकते हैं, पर सब में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसकी रिएक्शन बहुत ख़तरनाक होती है, वो है इंजेक्शन की रिएक्शन। लेते हैं पेन किलर, लेते हैं मल्टीविटामिन्स, लेते हैं एंटीबायोटिक्स, लेते हैं, तो कभी कभी कोई इंजेक्शन हमें नहीं चलता फ्रेंड्स, तो उस इंजेक्शन की हमें एलर्जी होती है, या कोई टैबलेट की एलर्जी हुई है, या कुछ कीड़ा मकोड़ा या कोई एनिमल बाइट की वजह से भी एलर्जी हुई है, या कोई घास की वजह से, कोई पत्तों की वजह से, घास की वजह से भी कभी कभी कांग्रेस, जिसको हम कहते हैं कांग्रेस की, जिस एक नाम की घास होती है, उसकी वजह से भी एलर्जी होती है कभी कभी, या कभी कभी कोई चीज़ खाने से भी, हमें खानों की चीज़ में भी कभी कभी कोई चीज़ नहीं चलती, उसकी भी हमें एलर्जी होती है। तो वो एलर्जी जो है वो बहुत ही ख़तरनाक एलर्जी होती है। हनी बाइट, जो शहद की मक्खियाँ होती है, उसकी भी एलर्जी बहुत ख़तरनाक होती है फ्रेंड्स। तो ऐसे सभी एलर्जी का जो रिएक्शन आता है, जिसको हम बोलते हैं एनाफिलेटिक रिएक्शन, उस सभी रिएक्शन में, जितने भी रिएक्शन के बारे में मैंने बात बताई है, उसका ट्रीटमेंट बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है, और बहुत से लोगों ने, जो मैंने प्रोकेन का एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर भी एक अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया कि सर, प्रोकेन का भी अगर एलर्जी आया तो क्या रिएक्शन आया, तो क्या इंजेक्शन देना, क्या ट्रीटमेंट देना। तो फ्रेंड्स, आपको सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूर ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कि आपको सब में पहले करना क्या है, कि अगर आप घर पे हैं तो आपने जो है एविल और डेक्सा, एविल टैबलेट और डेक्सा टैबलेट, या ओमनाकर्टिल टैबलेट, आप घर पे रखना ज़रूरी है आपके। कभी भी आपको कोई चीज़ भी की भी रिएक्शन आई, दो गोलियाँ खिलाओ पेशेंट को, और इमिडिएटली जो है उसको हॉस्पिटल को भेज दीजिए। अगर कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में या ओपीडी में ही रिएक्शन आई है, या एलर्जी आई है, एनाफिलेक्ट रिएक्शन आई है, तो ये ट्रीटमेंट को कभी ना भूले, ये फार्मूला अपने ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। तो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन आया है, ये कैसा समझेंगे फ्रेंड्स? सब में पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है आपकी आवाज़ बैठने लगती है, आपके गले में सूज आने लगती है, आपका चेहरा सूजने, आँख सूजने लगता है, आपके होठों पर सूज आती है, आपका बीपी कम होता है, जिसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, लो बीपी, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका दिल जो है धक 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 करने लगता है, जिसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। ऐसे कंडीशन में, और आप कभी कभी फ्रेंड्स अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, और आपको दम भी लग सकता है, और आपकी सांस कभी कभी रुक भी सकती है, इतना भयंकर ये एनाफिलेक्टिक रिएक्शन फ्रेंड्स होता है। तो इस रिएक्शन में एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल फॉलो करो अगर आप जो है ओपीडी या, तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको रिएक्शन आए तो आप एक फार्मूला ध्यान रखिए, इंजेक्शन एविल, फिनरामाइन मिलेट 2 cc, IVIM, इंजेक्शन डेक्सा, डेक्सामिथाजोन 2 cc, IVIM। अगर इंजेक्शन डेक्सामिथाजोन के बजाय आपके पास इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन है, तो आप हाइड्रोकॉर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शन एविल, इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्ड, और उसको बहुत ज़्यादा IV फ्लूड्स दीजिए, और कभी कभी तो उसको ऑक्सीजन लगाने की गरज पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है, बहुत बड़ा रिएक्शन है, तो उसको सांस की नली पिघली जाती है, जब सांस बंद होती है, उतना दूर तो नहीं जाता है पेशेंट, ज़्यादा करके एविल देना चाहिए, हाइड्रोकॉर्ड देना चाहिए, ऑक्सीजन लगाना चाहिए अगर अवेलेबल है, और रैनटैक दीजिए या पेंटॉप दीजिए इंजेक्शन, IV फ्लूड्स फास्ट छोड़िए, और उसको जो है हेडलो पोजिशन दीजिए, हेडलो पोजिशन मतलब सर नीचे और पैर ऊपर, इतना अगर आप ट्रीटमेंट फॉलो कीजिए दोस्तों, तो कोई भी जो है ओपीडी में या हॉस्पिटल में पेशेंट है, वो इमिडिएटली जो है एनाफिलेटिक शॉक से बाहर आ जाएगा, और उसको पूरे दिन के लिए आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए, और नेक्स्ट डे या
उसी दिन उसको रात में आप छोड़ सकते हैं, जब वो कंफर्टेबल हो, एक्सीलेंट पोजीशन में आ जाए तो आप उसको छोड़ दीजिए फ्रेंड्स। तो एनाफिलैटिक रिएक्शन अगर आपको घर पे आया तो मैंने बताया आपको दो बातें, दो चीज़ें ध्यान में रखिए, टैबलेट एविल और टैबलेट टेक्सा या ओमनिकाटिल, या आपने घर पे रखिए रेंटेक, ये तीनों चीज़ें अगर घर पे दे दिए तो भी वो एनाफिलैटिक रिएक्शन रुक जाएगी, ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। अगर बढ़ रही है तो उसको हॉस्पिटल को लेके जाइए, एविल, हाइड्रोकॉर्ड, आईवी फ्लूइड्स, ऑक्सीजन, इतना भी अगर आप कीजिए तो करेंगे तो जो है वो एनाफिलैटिक रिएक्शन रुक जाएगी फ्रेंड्स। तो भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए फ्रेंड्स। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अलीन कृषि। थैंक यू वेरी मच।